कार रसोई के पास से गुजरते हुए जेठ की तपती दोपहरी तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन सुबह की धूप तगड़ी है। वैसे दर्शनार्थी भक्तगण श्रद्धालु आते हुए कनक भवन की तरफ दोनों तरफ नहीं, एक तरफ ये दुकानें सजी हुई। और संडे रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, वीकेंड हॉलीडे, इस वजह से भीड़ थोड़ी ज़्यादा होने की संभावना होती है। ये कपिराज ये मारुति नंदन मनोकामना सिद्ध हनुमान देखिए। निगेटिव पॉइंट सबसे श्री राम लला दर्शन में कि आपको कोई भी सामान अंदर नहीं लेना है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर ये काफ़ी उस हिसाब से स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का है, लेकिन वहाँ किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं, आप अपना सारा सामान अंदर ले जा सकते हैं। ये दशरथ महल कनक भवन के बाद प्रमुख दर्शनीय स्थान। श्री चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी कराज महल वास्तव में दर्शनीय है। भट्ट का पेड़ बटवृक्ष, ये रास्ता यहाँ से तो दाहिने निकला है श्री राम लला दर्शन के लिए जाता हुआ। ये रास्ता राम लला के लिए 2 बजे तक के दर्शन, इसके बाद बंद। देखिए दर्शनार्थी जाते हुए, ये रास्ता सीधे बाहर जाता हुआ हनुमानगढ़ी की तरफ। वीकेंड हॉलीडेज रविवार की वजह से आज थोड़ी भीड़, वैसे जो तो श्रद्धा है वो तो ग्रामीण अंचलों से बरसती है। हर माल 10 रुपया। प्राचीन श्री राजद्वार मंदिर, ये बहुत ही हिस्टोरिक मंदिर है, ये भी अच्छा। अंदर विग्रह, सभी देवताओं के विग्रह हैं अंदर, दर्शन करने का सौभाग्य मिला पिछले 6 अप्रैल को। और ये एक विचित्र संयोग ही कहा जाएगा, 6 अप्रैल को पहली बार सायंकालीन आरती जो कि 7:30 बजे होती है उसमें शामिल होने का मौका मिला, और फिर से दोबारा एक बार 6 मई 2023 को फिर देखें क्या ये क्रम लगातार बरकरार रहता है। गुरुदेव चाहेंगे तो हो सकता है। ये श्री राम भरत मिला खुला है, दर्शन करिए। जय गुरुदेव। दुकान है दोनों तरफ। ये जब कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा, नाला बन जाएगा, तो यहाँ की शोभा बढ़ जाएगी। सुबेरे जिस तरह से पानी गिर रहा था उस तरह से अभी भी गिरता हुआ है यहाँ पे पानी की बर्बादी। रास्ता हनुमानगढ़ी के पिछले हिस्से से आता हुआ। ये एक मिठाई की दुकान त्रिपदा, किसी गायत्री परिवार, त्रिपदा प्रसादम का सुप्रसिद्ध खुरचन पेड़ा। मामा की हेतु की कृपा और महाकाल की प्रेरणा, फिर सुबेरे दर्शन कराने के बाद फिर से एक बार देखिए लाइन लगी हुई। इस समय आरती या कुछ श्रृंगार हो रहा होगा जिसकी वजह से पट बंद है। इस समय सुबेरे की आरती 4:30 से 5 बजे के बीच, बाबा की हेतु की कृपा और महाकाल की प्रेरणा के फलस्वरूप आज भी सुबेरे जो
आरती के बाद का जो चरणोदक था वो आज भी मुझे मिला। ये रास्ता उधर से आता हुआ सीधे मणिराम छावनी छोटी छावनी उधर की तरफ चला जाएगा। सीधे जाने के बाद आगे रास्ता इधर, ये रास्ता तिराहे में जाके कन्वर्ट होगा जो कि वहीं उस मेन रोड से मिल जाएगा। श्री राजदार मंदिर ऊपर जाता हुआ रास्ता, नित्य दर्शन का समय प्रातः 5 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, सायंकाल 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक। सीढ़ियों के रास्ते जाना होगा ऊपर, इधर ही से बाद में आप जब निकलेंगे उधर तो श्री राम जन्मभूमि, श्री राजदार मंदिर, श्री कनक भवन, श्री दशरथ महल तो जा सकते हैं सीधे। ये रोड उधर से दाहिनी तरफ स्टेशन की तरफ जाती हुई रेलवे स्टेशन अयोध्या, और ये सीधे उधर नया घाट की तरफ चला गया है, और ये तिराहे पे इधर जाते हुए हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और कनक भवन। सीधे आप चले जाएंगे तो आगे आपको जानकी महल मिलेगा बिल्कुल नया घाट के थोड़ा पहले दाहिनी तरफ जाने पे। दुकानें अभी बंद हैं, खुली नहीं हुई हैं। ये लिखा हुआ देखिए, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और कनक भवन। श्रृंगार हाट से हनुमानगढ़ी होते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक मंदिर का निर्माण 742 मीटर। रेलवे स्टेशन अयोध्या को जाता हुआ रास्ता हनुमानगढ़ी के दाहिनी तरफ देखिए, ये सामने एक बहुत ही दर्शनीय दक्षिण भारत स्टाइल में बना हुआ ये मंदिर या परिसर। किसी बड़े गाड़ियां निकलती हुई देखिए दर्शन पूजन करने के बाद। सिक्योरिटी कन्वॉय जाता हुआ बैरिकेडिंग, कोई भी बड़ा नेता अभिनेता आएगा तो ये बैरिकेडिंग हो जाती है हनुमानगढ़ी के पास जो तिराहा है वहाँ पे। रास्ते थोड़ी देर में खुल जाएंगे, इंतज़ार करते हुए लोग। सब कुछ खुलता हुआ कौन तिराहा नया घाट से सीधे हनुमानगढ़ी दाहिने और रेलवे स्टेशन सीधे फैजाबाद भी आप पीछे ही जाएंगे। अयोध्या कैंट जो रेलवे स्टेशन है, आजकल बहुत सी गाड़ियां अयोध्या कैंट में टर्मिनेट हो जाती हैं क्योंकि अयोध्या स्टेशन पे काम चल रहा है इसमें।